सो गाइस, अगर आपने अपने आईफोन में iOS 15 को इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पे आपको दो फीचर्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो फीचर्स का यूज़ करके आप अपने आईफोन को पहले से भी और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। सो हे गाइस, मायसेल्फ सचिन एंड यू आर वॉचिंग गेटिप्स। सो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं पहले फीचर्स की, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और जस्ट यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिखाई देगा रिकॉर्ड ऐप एक्टिविटी। इस पर क्लिक करके आपको जो रिकॉर्ड ऐप एक्टिविटी का जो टॉगल है आपको इसको ऑन कर देना है। आप इसको ऑन कर दोगे तो विद इन 7 डेज अगर आपके फ़ोन में कोई भी थर्ड एप्लीकेशन लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये आपके डेटा को यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे के सारे समरीज आ जाएंगी जिसको आप एनालाइज कर सकते हो। अगर दूसरे फीचर्स की बात करें तो है ऐपी एड्रेस को लेकर। तो मान लीजिए कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो सफारी ब्राउज़र अपने आईफोन में, तो यहाँ पे आप सफारी ब्राउज़र में अपने ऐपी एड्रेस को हाइड कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, चले जाना है सफारी के अंदर। हम इस पर क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हाइड आईपी एड्रेस फ्रॉम ट्रैकर्स। इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम ट्रैकर्स और ऑफ। तो अगर आपका ऑफ होगा तो आपको क्लिक कर देना है सिंपली फ्रॉम ट्रैकर्स। अगर आप यहाँ पे फ्रॉम ट्रैकर्स पे सिलेक्ट करते हो तो कोई भी हैकर्स आपके आईपी एड्रेस को हैक नहीं कर पाएगा, उसको आपको आईपी एड्रेस शो ही नहीं होगा तो हैक कहाँ से करेगा। तो गाइस, ये दो फीचर्स इंपॉर्टेंट थी iOS 15 में जिन्हें आपको डेफिनेटली ऑन करना चाहिए और इसका यूज़ करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना गेट टिप्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll be right back.